मुस्कुर जो हमारे होठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने आप को इस दुनिया में मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया और वही प्रभु आज हम सभी का चिन्ह है, वही प्रभु आज हम सभी की पहचान है। जब भी ईसाइयों की बात होती है, क्रिश्चियंस की बात होती है, सबसे पहले क्रॉस का नाम आता है, प्रभु यीशु का पैशन, प्रभु यीशु का दुख भोग। हर किसी के घर पर हर किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है या क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाता है। यह उस विजयी दास्ता को दर्शाता है जो प्रभु ने हम सभी के लिए किया और यही बात को आज हम दोनों ही पाठों में पाते हैं। प्रथम पाठ में यह बताया जाता है कि किस प्रकार जब किसी को सांप काट लिया करता था तो वे कांसे के सांप को देखकर चंगाई प्राप्त करते थे। उसी प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु खुद अपने मृत्यु के बारे में शिष्य को बताते हुए अपने जीवन का रहस्य बताते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस मुक्तिदायी प्रभु यीशु को हम अपना सर्वस्व समर्पित करें जिसने हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। क्योंकि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस चालीसा काल में अपने आप को उस पास्का रहस्य की याद से जोड़ दे जो एक ऐतिहासिक और हम सभी के लिए एक प्रेरितिक घटना है जो आज भी अपने आप में कोई रहस्य नहीं रखती है, बल्कि वह यह बात दर्शाती है कि ईश्वर का प्यार हम सभी के लिए अपार है। ईश्वर हम सभी को प्यार करता है और उसका दिल हम सभी के लिए हमेशा खुला है। जब हम इस पवित्र याग को चढ़ाए, हम अपने आप को उस पवित्र लहू को समर्पित करें जो लहू प्रभु की छाती से निकला था, जो लहू प्रभु के हृदय से निकला था, और वह हमें आज भी बुलाता है कि क्या हम उस पर विश्वास करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपनी सारी मन्नतों को, सारी प्रार्थनाओं को, हर परेशानियों को, हर संकट को उस प्रभु के क्रूस के नीचे अर्पित करें जो हमारे लिए एक विजय स्तंभ है, जो हमारे लिए एक विजय देने वाला साधन है और जो हमारी रक्षा करता है। आइए कुशन मौन रूप से
हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे और अपना क्रूस का स्तंभ हमारे परिवार पर, हमारे घर के चौकट पर, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर हो, जिससे कि प्रभु की आशीष हमें मिलती रहे और हम प्रभु के सानिध्य में रहे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं, दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4-9 तक। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगी, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहां मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहां न तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख न छिपा, मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुक कर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए,
ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं या आत्महत्या तो नहीं करेगा, या तो कहता है मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रभु के वचनों को जब हम सुनते हैं तो आज का प्रभु का वचन बहुत ही कठोर वचन के रूप में बताया जाता है। प्रभु डायरेक्ट एनकाउंटर फरीसियों से, शास्त्रियों से करते हैं। वाद विवाद जो होता है प्रभु तुरंत उन्हें सटीक जवाब देते हैं। और आज का जो जवाब है वह प्रभु के व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रभु अपने आप को सबों के सामने प्रकट रूप से कहते हैं कि मैं कौन हूं। लोग उन्हें मारने की ताक में थे, फरीसी और शास्त्री निरंतर उनके पीछे पीछे घूमते थे कि कब यह गलती करे और कब हम इसे पकड़ें, कब यह कुछ गलत बोले, कब हम इसे दबोच लें। और वह इसी ताक में थे। जब उन्होंने प्रभु की पूरी स्टडी करी तो उन्हें एक कंक्लूशन मिला। वह कंक्लूशन क्या था? वह कंक्लूशन बहुत ही भव्य कंक्लूशन था जो कि एक पूरे के पूरे समाज को दर्शाता था, और वह एक सामाजिक बात हो चुकी थी। लोग इसको पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाते हुए बल्कि एक सामाजिक घटना के रूप में इसको दर्शाते हैं कि किस प्रकार फरीसी और शास्त्री जब देखते हैं कि प्रभु बेहिचक पूरे अधिकार के साथ में लोगों को अपने विषय में बताता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और हमेशा ईश्वर को
जिसका नाम लेने के लिए अनुमति नहीं थी उसको पिता कहता है। यह बहुत ही बड़ी एक बात थी जो शास्त्रियों और फरीसियों को हजम नहीं हो रही थी। और यही बात हम देखते हैं कि प्रभु को क्रूस पर क्यों लटका दिया, प्रभु को क्रूस पर क्यों लटका दिया, प्रभु को क्रूस पर क्यों लटका दिया। कई बार हम यही सोचते हैं कि प्रभु ने अच्छे काम किए हैं इसलिए प्रभु को क्रूस पर लटका दिया, प्रभु ने रोगियों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया इसलिए प्रभु को क्रूस पर लटका दिया, प्रभु ने चोरी करी इसलिए क्रूस पर लटका दिया, प्रभु इन शास्त्री फरीसियों से एकदम सामने होकर उनका सामना कर रहे थे इसलिए प्रभु को क्रूस पर लटका दिया। प्रभु को क्रूस पर इसलिए लटका दिया क्योंकि उसने क्या करा था, उसने ईश निंदा करी थी, ब्लास्फेमी या दोष प्रभु के ऊपर लगाया गया। जब प्रभु का पूरी जनता के सामने, सैनेड्रीन के सामने, बड़े लोगों के सामने, शास्त्री फरीसी पंडितों के सामने जब प्रभु को बंदी बनाकर लेकर गया था तो प्रभु के ऊपर यह दोष लगाया था। जो कि मुख्य याजक थे उन्होंने क्या किया था, अपने कपड़े फाड़ दिए थे और उन्होंने कहा था यह ईश निंदा है, यह दोष लगाया गया था प्रभु पे। और प्रभु पर जब यह दोष लगाया गया था तो उन्हें क्रूस की सजा सुनाई गई थी। यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु उस कांसे के सांप की तुलना अपने मरण से करते हैं कि जब मैं उठाया जाऊंगा, प्रभु को लटकाया भी गया था तो कलवारी की चोटी पर जहां से लोग दूर दूर तक का उसको देख सकते थे। और यही हम जब चालीसा काल में मनन करते हैं तो हमें यह प्रेरित करता है कि हम हमारे विश्वास में कितने मजबूत हैं, हम हमारे अस्तित्व को, हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभु को समर्पित करते हैं। हम कई बार प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, जैसा कि आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि यहूदी लोग किस प्रकार से ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते थे और ईश्वर उनके लिए चमत्कार करता है मूसा के द्वारा। कई बार हमारे जीवन में भी कई बार हम प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, कई बार हम हमारे संकट में प्रभु को कोसते हैं मन ही मन या किसी और के द्वारा कि प्रभु तूने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आज प्रभु हमसे आह्वान करता है, प्रभु हमसे पुकार लगाता है कि हम किस प्रकार अपने आप को उसको समर्पित करते हैं जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, जो ईश्वर की बातों को कहता है। हम किस प्रकार उस ईश्वर को हमारे जीवन में महसूस करते हैं, किस प्रकार हम उसमें विश्वास करते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में जब प्रभु ने अपने आप को लोगों को बताया कि मैं और पिता एक है, जो कुछ मैंने पिता से सुना है वही बताता हूँ, तो कई लोगों ने उन पर विश्वास किया, बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। क्या हम बहुतों की संख्या में आते हैं? आइए क्रिसमस प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु का वचन हमारी ढाल बने, प्रभु हमारा रक्षक बनते हुए, हमारा दोस्त बनते हुए, हमारा पिता बनते हुए, हमारा सब कुछ बनते हुए उस ईश्वर के पास में हमें ले जाए जो निरंतर हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित करता है। क्या हम तैयार हैं? आइए क्रिसमस प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं हम पिता को ग्रहण करते हैं और वही हम रोज प्रार्थना में कम से कम 10 या 15 बार बोलते हैं, हे पिता हमारे, हे पिता हमारे। और जितना भी हो सके इस चालीसा काल में कम से कम जब हम अकेले हों या जब भी हमें टाइम मिले हम यह प्रार्थना अवश्य दोहराएं। यह हमें संतुष्टि एवं प्रभु के तालमेल से जोड़ेगी और प्रभु से हमारा तालमेल
गहरा करेगी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से त्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करे कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गा। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सब शक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सब शक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम उनके वह संत योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझ में आशा करने वालों पर तू क्रोध के बदले दया दिखाता है। तेरे विश्वासी गण अपने पापों के लिए आंसू बहाएं और तेरी सांत्वना पाने के योग्य ठहरें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
भगवन्